अच्छा रहेगा। अरे आप लोग दादा थोड़ा सा साइड में हो जाइए, राइट में आ जाइए, राइट में, अरे पाजी राइट में, राइट में पाजी, पाजी पाजी राइट में जाइए, राइट में पाजी जी, राइट में पाजी जी, आप आ गए यार पाजी, ओ पाजी पाजी पाजी, चलो भाई चलते रहो, अरे क्या चले यार ऊपर नगर, चलो भाई चलो चलो चलो, हेलो भाई चलो 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 चलो, साइड में तो भाई चल रहे हैं, पीछे चलते रहो भाई, हड़ी होना आपको मिलेगा इलाम, चलो चलो चलते रहो जरा पीछे पीछे, आप लोग भाई आप थोड़ा साइड में रहो, हम लोग चलते रहे, जरा पीछे पीछे चलते रहो, हम चलते रहो भाई, थोड़ा फाट फाट चलेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है यार इतने ज़्यादा फास्ट क्या, रिवर्स में चल रहे हैं भाजी, थोड़ा आप साइड में रहिए, हाथ पकड़, हाथ पकड़, भाजी आप साइड में रहिए, बस हाथ पकड़, साइड साइड, Finally, 3 days, 3 days का चैलेंज आज होगा पूरा। So are you all ready? Yes, we all are ready. आणि तुमचं डोकं येणार थोडं खाली या, आणि मोबाईल बिलकुल वर घेऊ नका, अहो माझी या, अहो या ना खाली, ऑल राईट, International Book of Records. The world record of most fans sourced 360 videos forming a video mosaic of TV reality show logo is achieved by ZTV Z Entertainment Enterprises on 7th March 2022 at Carter Road, Bandra, Mumbai, India, conceptualized and managed by All In Events. With thousand of 360 videos on dance move Amamant, one in its kind, 24 feet by 14 feet, fan source video mosaic of TV reality show DID Little Master logo was created using 1537 unique 360 degree videos in 72 hours by collecting all the videos of the audience live on the screen. Congratulations ma'am. Look here ma'am. Thoda right mein aaiye, right mein. Ma'am here left. Ma'am center. Steam left ma'am. अरे यार इतना जल्दी हो पकड़ने का, रहने दो मैडम को, 2 मिनट लेने भी नहीं दोगे, चलो ये भी निकाल लो, हो गया, सेंटर मैम सेंटर, मैम दिस वे दिस वे, मैम मैम मैम, हां ट्रॉफी भी मैम, मैम सेंटर, और डाउन डाउन मैम, यहां पे आ गए, इनके सेंटर सेंटर मैम, मैम थोड़ा आगे आ जाइए, मैम थोड़ा आगे आ जाइए, बस ओके परफेक्ट।
मैम यहाँ कैमरा अभी ये कैमरा मैम यहाँ पे मैम इधर इस तरफ मैम यहाँ पे लेफ्ट में जी लेफ्ट 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 में Okay. One second, there are two mics over there. Yeah, mic. Yeah. Start, okay. Start. You can hold, guys. Can you hold it? Yeah, sure. Okay. Okay, ma'am. So, ma'am, first thing, congratulations. The world record is on. What do you want to say? क्या कुछ feeling? मैंने सोचा नहीं था कि मैं किसी चीज़ का world record तोड़ूंगी, लेकिन मैंने तोड़ दिया है। Very happy. कोई तो world record तोड़ा मैंने। ओके कितनी एक्साइटमेंट है डीआईडी लिटिल मास्टर्स आ रहा है काफ़ी नए अवतार में आ रहा है सो कितनी एक्साइटमेंट है वेल एक्चुअली सच कहूँ तो वर्ल्ड रिकॉर्ड से ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि डीआईडी लिटिल मास्टर्स आ रहा है हम लोग ऑडिशंस कर रहे थे शूट और मैंने जो टैलेंट देखा है आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट इट ओके काफी नया टैलेंट भी नजर आ रहा है मतलब बेली डांसिंग ये वो बहुत कुछ हो रहा है तो कितना मजा आ रहा है वेल इससे पहले मैंने कभी डांस शो जज नहीं किया था जो हैव जज सो मेनी डांस शोज बट आई वुड से कि 4 साल पहले जी का ही शो कर रही थी ड्रामेबाज जहाँ से मैं आधे में छोड़ के गई थी ट्रीटमेंट के लिए तो उसके बाद में 4 साल के बाद यू नो 14-15 घंटे जो भी लगते हैं शूटिंग के उसके लिए खड़ी हूँ यहाँ पे आके हील्स में खड़ी हूँ बाल है आई टेल यू दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे वापस आऊँगी लेकिन मैं वापस आ गई हूँ एंड आई एम बैक ऑन स्टेज सो आई थिंक मेरे लिए ये बहुत 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 ही इमोशनल एंड बहुत ग्रैटिट्यूड वाला मोमेंट है वेल एक्चुअली वो बच्चे इतने माइंड ब्लोइंग है दैट मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ उनके बारे में जो भी मैं बोलूँगी कम है आप देखोगे आपको लगेगा कि यार इनफ जस्टिस नहीं किया है मैंने बिकॉज ऑडिशंस हो चुके हैं मुझे पता है हमें कितनी मुश्किल हुई है बच्चों को सेलेक्ट करने में आई मीन 3 साल से लेकर 13 साल के बच्चे आए हैं उसमें से कितने 5-6 साल के मतलब उस उम्र में जहाँ पे मुझे खुद को खाना नहीं आता था वहाँ पे ये बच्चे डांस कर रहे हैं अगला स्टेप सीख रहे हैं और हमको सिखा रहे हैं कैन यू इमेजिन इट्स शॉकिंग ऐसे लगता है जैसे 4 साल में पूरी दुनिया बदल गई है ओके कितना इंस्पायरिंग लगता है कि इतने छोटे छोटे बच्चे इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं वेल एक्चुअली मोर देन सिर्फ छोटे बच्चे इतना बड़ा काम से भी ज़्यादा उनका जो फोकस और डेडिकेशन है वो देख के आई थिंक रोज़ हम जो कहते हैं ना कि हम लोग रोज़ इस दुनिया में कुछ नया सीखते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इस शो पे जाके रोज़ इन बच्चों से इन बच्चों के पेरेंट्स से क्योंकि ये इतने जहाँ से आते हैं जो स्ट्रगल्स उनके हैं उनसे मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है सो मैं इससे पहले रेमो से या मुनी से मिली नहीं थी एंड पहले दिन हम चाह रहे थे कि उससे पहले हम लोग मिले लेकिन मेरे घर पे शादी थी बिजी थी तो मिल नहीं पाए हम लोग उससे पहले तो डायरेक्टली जब मैं मिली ऑन सेट मिली तो थोड़ा नर्वसनेस था कि कैसे होगा यू नो यू आर गोइंग टू सिट एट द सेम टेबल लेकिन आई हैव टू से कि बहुत मज़ा आया एंड दे आर वेरी वॉर्म बहुत लवली एंड वेरी फ्रेंडली सो इट वॉज गुड फन आई थिंक अभी शुरुआत है शो की लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे हमने पूरा सीजन किया है 3-4 एपिसोड्स में इस तरह का बॉन्डिंग ऐसे लग रहा है कि इट्स गुड द ट्यूनिंग इज गुड सो मज़ा आ रहा है मुझे ओके लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या फॉरवर्ड करना चाहिए अपनी ऑडियंस के क्या क्या फॉरवर्ड करना चाहिए अपनी ऑडियंस के लिए रिगार्डिंग दिस फॉरवर्ड मैं यही कहूँगी कि 12th March रात 9 बजे देखिएगा प्यार दीजिएगा उन बच्चों को हमको सबको बहुत दिनों के बाद बहुत सालों के बाद मैं वापस आ रही हूँ DID वापस आ रहा है और रेमो DID पे वापस आ रहा है सो आई थिंक इट्स अ इवेंट एंड आई डोंट थिंक एनीबडी शुड मिस इट ओके थैंक यू सो मच ओके थैंक यू सो मच एवरीबडी हैप्पी एनीथिंग एल्स यू वांट नो थैंक यू पक्का ना ये किसका बूम था इधर से था इधर से मुझे लगता है कि वुमेन्स डे हर दिन होना चाहिए सिर्फ एक दिन नहीं ये मुझे लगता है बट फिलहाल एक दिन तो एक दिन सेलिब्रेट करना वुमेन्स डे उसके बारे में एक चर्चा शुरू करना कि वुमेन्स डे होना चाहिए औरतों को किस तरह से एक यू नो जेंडर इक्वालिटी की जो बात करते हैं एंड ऑल ये कॉन्वर्जेशन या चर्चा जो शुरू हुई है आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग और ये चर्चा कंटिन्यूस रहनी चाहिए हर दिन पूरे साल भर एंड एज अ पर्सनल यू हैव इंस्पायर्ड सो मेनी वुमेन्स टू कम बैक
यू नो वही मैं कह रही हूँ कि इस शो पे भी मैं देखती हूँ, जब मैं माओं को देखती हूँ मैं और इंस्पायर हो जाती हूँ, क्योंकि द स्ट्रेंथ दैट अ वुमन हैज इज समथिंग अमेजिंग एंड देयर सो मच दैट यू कैन लर्न फ्रॉम इट. सो आई वुड से दैट इफ आई एम इंस्पायरिंग यू, सी द शो, सी पीपल अराउंड यू, लुक एट द स्टफ दैट इज गोइंग ऑन, एंड आई वुड से दैट लेट द वर्ल्ड सेलिब्रेट वुमेन्स डे. एज अ वुमन मैं कहूँगी कि लेट्स सेलिब्रेट वुमेन आरसेल्व्स. एक सिस्टरहुड है, औरतें औरतों को अगर सपोर्ट करेंगी तो आई थिंक वी विल गेट देयर. Thank you. Okay. Thank you. They still want. I'll just do some still.